हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी गन्ना किस्मों के बारे में जिनका जो उत्पादन है आपको 0238 से भी अच्छा देखने को मिलेगा, परंतु ये जो गन्ना किस्में हैं अभी हमारे यूपी में जो है स्वीकृत नहीं हुई हैं, परंतु कुछ इसमें ऐसी गन्ना किस्में हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के सिवा अन्य जो राज्यों में जो है वो अर्ली गन्ना किस्म के तौर पे ली जा रही हैं। तो कुछ आज हम लोग ऐसे ही गन्ना किस्मों के बारे में जानेंगे जिनका जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा, यानी कि ये कहें कि 0238 जैसा ही आपको उनका उत्पादन देखने को मिलेगा। और उनमें से कुछ किस्में तो ऐसी हैं जिनका जो उत्पादन है वो 0238 के भी मुकाबले जो है काफ़ी अच्छा है। इसमें जो आप पहला गन्ना देख पा रहे होंगे ये है हमारा COPB 95। यकीनन किसान, ये जो है इस समय की सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन देने वाली एक गन्ना किस्म है, परंतु अभी जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत नहीं है, परंतु जो हमारा पंजाब जो स्टेट है वहाँ पे जो है इसको जो हमारी चीनी फैक्ट्रियाँ हैं वो अगेती गन्ना किस्म के तौर पे ले रही हैं। और इस किस्म का जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका जो गन्ना है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी मोटा गन्ना होता है। यदि मैं आपको दिखाऊँ इसका गन्ना, तो ये देख रहे होंगे ये गन्ना जो है COPB 95 का गन्ना है और बहुत ही हार्ड गन्ना होता है, और इसके साथ साथ इसकी लंबाई बहुत अच्छी जाती है। और इसका जो अगोला है वो काफ़ी, किसान भाइयों देख रहे होंगे मोटा अगोला है, मोटा अगोला होने के कारण ही जो है इसमें भोजन अधिक बनता है, जिसके कारण किसान भाइयों इसकी जो मोटाई लंबाई है वो बहुत ही लाजवाब जाती है। और अभी की जो जितनी हमारी गन्ना किस्में हैं उनमें जो है ये बहुत ही अच्छा किसान भाइयों इसका जो है रिजल्ट देखा गया है, और बहुत ही मोटे मोटे, जैसे हमारा ये गन्ना किस्म हम लोगों ने पानी लगाया था उसके बाद में कुछ गिर गया है। यदि मैं आपको इसकी गन्ने की मोटाई दिखाऊं तो ये देख रहे होंगे गन्ने की कुछ मोटाई जो है देख रहे होंगे, जैसे बांस होते हैं किसान, उस तरह का जो है गन्ना ये मोटा होता है। बहुत ही मोटे गन्ने जो है इस प्रजाति के आपको देखने को मिलेंगे, और मोटाई के साथ साथ गन्नों की जो लंबाई है किसान भाइयों वो भी बहुत ही जो है बेहतरीन आपको इस गन्ना किस्म की देखने को मिलेगी, यानी कि इस समय की काफ़ी बेहतर ये गन्ना किस्म है। और इसकी जो आँख होती है वो आप जो है देख पा रहे हो कुछ इस तरह की जो है गन्ने की आँख होती है, परंतु किसान ये गन्ना किस्म का उत्पादन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, परंतु हमारी उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया ये अभी गन्ना किस्म जो है रिलीज नहीं हुई है। इसके बाद में जो दूसरी गन्ने की किस्म है वो आप देखने से ही पहचान गए होंगे, ये है हमारा CO 11015। जैसा कि आप ये गन्ना देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे लंबे इंटरनोड वाला ये गन्ना होता है, और ये देख रहे होंगे ये गन्ना जो होता है किस्म इसमें आपको वजन काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी कि ये भी अभी हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना किस्म स्वीकृत नहीं है, परंतु इसमें जो है चीनी की रिकवरी काफ़ी अच्छी है, और अंदर से गन्ना ठोस होने के कारण जो है आपको इसमें जो वजन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और किसान भाई इसके साथ साथ ये गन्ना ब्यात भी बहुत अच्छी करता है, इसके साथ लंबाई भी जो है इस प्रजाति की काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो गन्ना देख पा रहे होंगे ये CO 11015 का किसान में गन्ना है, और देख रहे होंगे कुछ इस तरह का जो है इसकी अगर हम लोग आँख बनावट की बात करें तो ये देख रहे होंगे गन्ने की जो आँखें होती हैं कुछ आपको इस तरह जो है देखने को मिलेंगी। ये CO 11015 की किसान विशेष पहचान है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आँखों जो इसकी जो आँखें हैं, इसकी जो आँखें होती हैं उसके चारों तरफ जो है आपको पंख जो है देखने को मिल जाएंगे, और इंटरनोड काफ़ी लंबी होती हैं। गन्ना जो है अंदर से काटने पे आपको पूर्णतः किसान भाइयों ठोस जो है देखने को मिलेगा, और इसका जो पैदावार है अगर आप अच्छा प्रबंधन रखते हैं तो तकरीबन किसान 550 क्विंटल तक जो है आप इसको एकड़ का बहुत ही आसानी से जो है जो इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। और इसके बाद में जो आप ये प्रजाति देख पा रहे होंगे ये है CO 8005। जैसा कि आप ये मेरे हाथ में गन्ना देख पा रहे होंगे ये 8005 गन्ना प्रजाति का गन्ना है, जो कि काफ़ी अच्छी जो है किसान मोटाई रखता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे ये जो गन्ना है ये CO 8005 गन्ना प्रजाति है, और इस किस्म का भी जो गन्ना है काफ़ी किस्म अच्छी मोटाई और लंबाई लेता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे गन्ने की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी है, जैसा कि देख रहे होंगे, और तिलरिंग भी जो है इस किस्म में काफ़ी अच्छी है, और ये किस्म जो है काफ़ी सख्त गन्ना किस्म है, यानी कि इस जो है अगर आपके यहाँ जंगली जानवर हैं तो आप जो है वहाँ पे इस किस्म को या फिर आप वहाँ पे किसान COPB 95 को आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे दोनों गन्ने हैं, प्रजाति बहुत ही दमदार है, और इसका जो उत्पादन है आपको काफ़ी अच्छा जो है किसान में देखने को मिलेगा। और इस प्रजाति की जो आँखें हैं आप देख रहे होंगे
हल्का किसान गोल आंखें जो है 8005 की होती हैं और उत्पादन बहुत ही अच्छा देती है, बहुत ही कम लागत वाली ये गन्ना किस्म है। परंतु ये भी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो है अभी स्वीकृत नहीं हुई है। इसका अगौला देख रहा हूँ कि कुछ इस तरह का अगौला होता है ये किसान। अभी ठंडक के कारण जो है हल्का पीलापन आपको अगौलों में नज़र आएगा। फरवरी आते आते जो है इसके अगौले जो है काफ़ी हरे हो जाते हैं। और गन्ना देख रहा हूँ कुछ इस तरह का जो है आपको 8005 का देखने को किसान भाइयों मिलेगा। और इसके बारे में जो अगली गन्ना किस्म है वो है किसान भाइयों आपका 86032, ये देख रहे। और ये गन्ना किस्म में भी आपको बाहर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो प्रजाति है उन किसानों के लिए काफ़ी अच्छी है जो अपना गन्ने को जूस में बेचते हैं, यानी कि जूस के लिए जो प्रजाति है बहुत ही अच्छी है। नरम गन्ना होता है, हल्का इसमें गिरने की समस्या है यदि आप इसको जल्दी लगाते हैं। ये गन्ना ऐसे किसानों के लिए अच्छा है जो अपना गेहूँ काट के गन्ने की बिजाई करते हैं, यानी कि लेट में अगर इसको बोते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये जो गन्ना आप देख पा रहे होंगे ये हमारा 86032 है और बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी है महाराष्ट्र की, काफ़ी बड़े स्तर पे जो है वहाँ पे लगाई जाती है क्योंकि इसका गन्ने में जो है वजन बहुत अच्छा है और बहुत कम लागत वाला गन्ना है। लंबाई बहुत ही अच्छी किसान भाइयों ये जो गन्ना है लेता है। और ऐसे किसान जो कि अपने गन्ने को जूस में सप्लाई करते हैं उन किसानों के लिए प्रजाति बहुत ही अच्छी है और बिना किसान भाइयों कोई लागत के आपको बहुत ही अच्छा जो है यह उत्पादन देने की क्षमता रखती है। में जो अगली गन्ना किस्म है वो है CO1507। जैसा कि आप ये गन्ना देख पा रहे होंगे ये गन्ना जो है CO1507 गन्ना किस्म का गन्ना है जो कि काफ़ी अच्छी गन्ना जो है मोटाई लेता है। और ऐसे किसान जो कि लेट में गन्ने की बुआई करते हैं तो वो जो है इस प्रजाति को भी लगा सकते हैं। ये भी जो प्रजाति है अभी हमारी यूपी के लिए स्वीकृत नहीं है और काफ़ी अच्छी गन्ना किस्म है, यानी कि उत्पादन के लिहाज से जो है गन्ना किस्म काफ़ी अच्छी है। और इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों तकरीबन 550 क्विंटल तक आप इसको जो है एकड़ का बहुत ही आसानी से जो है इसकी पैदावार ले सकते हैं। मोटाई ये कहें कि सबसे मोटी गन्ने किस्म जो है आप इसको बो सकते हैं क्योंकि प्रजाति की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी जाती है। ये जो गन्ना आप देख रहे हो मेरे हाथों में ये किसान गेहूँ कटाई के बाद वाला गन्ना है, तब भी जो है गन्ने की मोटाई बहुत ही अच्छी किसान इस समय आई हुई है। और इसके बारे में अगली जो गन्ना किस्म है वो है किसान भाइयों कोशा 16231। जैसा कि आप ये गन्ना जो देख पा रहे होंगे ये कोशा 16231 गन्ना किस्म का गन्ना है। ये गन्ना किस्म भी किसान उत्पादन में बहुत ही अच्छा है परंतु अभी हमारे यूपी में जो है स्वीकृत नहीं हुआ है। इसके बाद वाली जो गन्ना किस्म थी 17231 वो यूपी में स्वीकृत हो गई है। तो ये 16231 गन्ना है जो कि अपनी मोटाई काफ़ी अच्छी जो है रखता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सीधे इसके गन्ने होते हैं और बहुत ही अच्छी जो है गन्ने की मोटाई आपको देखने को मिलेगी और कुछ इस तरह का जो है गन्ना आपको देखने को मिलेगा। देख रहा हूँ कितनी ज़बरदस्त, जितने भी गन्ने हैं सभी गन्ने जो है किसान मोटे हैं, काफ़ी दमदार गन्ना किस्म है। और इसका भी जो उत्पादन है किसान एकड़ में तकरीबन आप इसको 550 से लेकर के 600 क्विंटल तक जो है इसको काट सकते हैं। ये जो गन्ना आप देख भी पा रहे होंगे ये गेहूँ की कटाई के बाद वाला गन्ना है, यानी कि लेट बुआई गन्ना होने के कारण भी जो है इसकी मोटाई जो देख रहे होंगे और लंबाई काफ़ी अच्छी जाती है। ये जो किस्म है किसान भाइयों ये 16231 है, यानी कि ये कुछ ऐसे गन्ने किस्में हैं जो हमारे यूपी में जो है स्वीकृत तो नहीं होंगी परंतु इनका जो उत्पादन है बहुत ही दमदार है। यदि ऐसे किसान जो कि अपने गन्ने को कोल्हू या क्रेशर पर बेचते हैं तो इन गन्ना किस्मों को वो लगा सकते हैं क्योंकि उनको जो है इनका उत्पादन बहुत ही कम लागत में बहुत ही बम्फर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जितनी मैं आपको प्रजातियाँ हैं बताई हैं ये नॉर्मल लागत में भी जो है 550 क्विंटल जो है उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं और बहुत ही अच्छा जो है देख रहे होंगे आपको गन्ने जो है देखने को आपको मिल रहे होंगे। देख रहे होंगे मोटाई कितनी शानदार है, यानी कि जितनी भी गन्ने किस्में मैंने आपको बताई सभी की जो मोटाई है काफ़ी दमदार है और लंबाई भी काफ़ी अच्छी जाती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।